नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 3,65,000 वृद्धों को मिलेगा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ। झारखंड सरकार ने राज्य के लगभग 3,65,000 अतिरिक्त असहाय वृद्धों को 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने की कार्य योजना तैयार की है। झारखंड सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में कुल 885 करोड़ रुपए की लागत से 60 वर्ष से अधिक उम्र के कुल 7,30,000 वृद्धों को मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। झारखंड नियोजन नीति से जुड़ी बहालियां रद्द हो गई, हजारों सरकारी नौकरियों पर खतरा। झारखंड राज्य कैबिनेट ने नियोजन नीति के तहत जिला स्तरीय पदों पर 10 वर्ष के लिए स्थानीय लोगों को आरक्षण का प्रावधान करने वाले संकल्प को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने पहले ही इसे रद्द करने को कहा था। अब अधिसूचित और गैर अधिसूचित जिलों के लिए जारी दोनों संकल्पों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रक्रियाधीन तमाम नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएंगी और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनकी नियुक्ति को अपूर्ण मानते हुए इससे संबंधित विज्ञापनों को निरस्त कर दिया गया है। इससे पंचायत सचिवों का मामला तो फंस ही गया, शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य कई जिलों और राज्य स्तरीय नियुक्तियां अवरुद्ध हो गई। जिनकी नियुक्ति हो गई उनका मामला कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और फिलहाल जो जहां है वहीं काम करते रहेंगे। खबर है झारखंड के गोड्डा से। 74 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, अब गोड्डा से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा। गोड्डा दुमका के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब रेल से दिल्ली जाने का सफर और आसान होने वाला है। हम सफर एक्सप्रेस अब गोड्डा से भी चलेगी। रेलवे ने इस संबंध में 3 फरवरी को रूट चार्ट भी जारी कर दिया। इसका लाभ संथाल के लोग उठा सकेंगे। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आभार जताया है। निशिकांत दुबे ने ट्विटर पर हम सफर एक्सप्रेस सेवा गोड्डा से शुरू किए जाने की जानकारी शेयर की। लिखा है कि गोड्डा से चलने वाली पहली ट्रेन हम सफर एक्सप्रेस होगी जो सीधी दिल्ली जाएगी। गोड्डा जिसने मुझ जैसे साधारण भाजपा कार्यकर्ता को 3 बार लगातार सांसद बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह एक तुच्छ पुष्प है जो आप लोगों को अर्पित कर रहा हूं। आजादी के 74 साल लग गए, इसके लिए हमें काफी दुख है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। विद्यालय में लगी आग से जलकर प्रधानाध्यापक की हुई मौत, जांच से होगा कारणों का खुलासा। अमड़ापड़ा के बोचाई बेड़ा मध्य विद्यालय के कार्यालय कक्ष में बुधवार की दोपहर अचानक आग लग गई। इसकी चपेट में आकर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजापाड़ा निवासी 55 वर्षीय नकुल कुमार पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। कार्यालय कक्ष में रखे जरूरी कागजात व अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। ना तो स्कूल के गैस सिलेंडर में लगी आग, ना ही शॉर्ट सर्किट हुआ। कारण जानने के लिए पुलिस छानबीन में लगी हुई है। बुधवार को दोपहर करीब 1 से 1.5 बजे के बीच आग लगने की सूचना गांव वालों को मिली। वे भागकर स्कूल पहुंचे, काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। दमकल गाड़ी भी पहुंची, तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। बावजूद प्रधानाध्यापक की जान नहीं बचाई जा सकी। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। एटीएम लूटने का प्रयास में अपराधियों ने गार्ड को बेहोशी की सुई लगा कर किया घायल। जामताड़ा में अपराधियों का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात अपराधियों ने जामताड़ा व्यवहार न्यायालय परिसर में एटीएम को लूटने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अपराधियों ने एटीएम में लगे मशीनों को क्षति पहुंचाई। वहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड मधुसूदन दास के साथ मारपीट भी की। घटना देर रात की है। 5 की संख्या में अपराधी ग्राहक बनकर एटीएम पहुंचे और वहां कार्यरत गार्ड मधुसूदन दास के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान गार्ड को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने का प्रयास करने लगे, लेकिन वे लोग सफल नहीं हो पाए। मामला बिगड़ता देख अपराधी वहां से भाग निकले। सायरन बजने पर पुलिस पहुंची। घायल एटीएम गार्ड को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अपराधियों ने एटीएम में लगे मशीनों को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया है। खबर है झारखंड के खुट्टी से। नौकरी के नाम पर मानव तस्करी का सरगना गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। प्लेसमेंट एजेंसी के आड़ में बड़े पैमाने पर मानव तस्करी को अंजाम देने वाले झारखंड के शंकर महतो को एनआई ने गिरफ्तार किया है।
शंकर का भाई पन्ना लाल इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पन्ना लाल अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ मिलकर बड़ा मानव तस्करी का धंधा चला रहा था। यह केस 9 जुलाई 2019 में झारखंड के खूंटी जिले में दर्ज हुआ था, जिसकी जांच 4 मार्च 2020 को एनआई ने शुरू की थी। आरोपी शख्स को रांची के स्पेशल एनआई के कोर्ट में पेश किया गया, जिसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी गिरोह के बाकी साथियों की तलाश कर रही है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के लगभग 16 जिलों में अगले 2 दिन बारिश के साथ वज्रपात की संभावना। गुरुवार को राजधानी रांची समेत आसपास के कई इलाकों में सुबह से ही मौसम साफ रहा, हालांकि दक्षिण पश्चिम हवाओं के कारण लोगों को कनकनी महसूस हुई। वहीं मौसम विज्ञान के अनुसार 5 और 6 फरवरी को राज्य में कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसे देखते हुए विभाग ने 5 फरवरी के लिए पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि चेतावनी जारी किया है। वहीं 6 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 7 फरवरी को रांची और आसपास के इलाकों में कोहरा और धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। राज्य के दक्षिणी भाग चाईबासा में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रही। इस दौरान राज्य में सबसे ज्यादा गर्म और ठंडा चाईबासा ही रहा। यहां राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान भी यहीं का 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खबर है झारखंड के गढ़वा से। सोन कन्हर पाइपलाइन सिंचाई योजना को मिली मंजूरी। सुखाड़ का दंश झेल रहे गढ़वा जिले में हरियाली लाने की कोशिश तेज हो गई है। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के साथ शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध कराया जाएगा। सोन कन्हर सिंचाई पाइपलाइन योजना से यह संभव हो सकेगा। योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के पूर्ण होने से गढ़वा जिले के 16 प्रखंडों की 15,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही जिले के 4 लाख की आबादी को शुद्ध पेयजल भी मिलेगा। यह जानकारी पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए वह लगातार प्रयासरत थे, जिसके उपरांत मुख्यमंत्री ने इस योजना की स्वीकृति प्रदान की है। धनबाद और जमशेदपुर में 3 लाख बिजली मीटर होंगे रिफ्लेक्स, स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। राजधानी रांची के साथ साथ धनबाद और जमशेदपुर में उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर दिया जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से इस पर तैयारी की जा रही है। पहले सिर्फ रांची में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अब रांची के साथ धनबाद और जमशेदपुर के लिए भी टेंडर किया जा रहा है। तीनों जिलों में अलग अलग योजनाओं के तहत स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। धनबाद और जमशेदपुर को मिलाकर 3 लाख उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर दिए जाएंगे। वहीं JBVNL की ओर से पहले से तय है कि रांची में 3,50,000 उपभोक्ताओं के मीटर रिफ्लेक्स किए जाएंगे। इसके स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर के सुंदर नगर में मिली महिला की लाश अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। सुंदरनगर थाना की पुलिस ने कुद्दा फायरिंग रेंज के पास से एक महिला का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी महिला के आसपास के इलाके के होने से इनकार किया है। शव हत्या कर फेंका गया है या फिर उसकी अस्वाभाविक मौत भी है, इसका खुलासा शव के पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो के झुमरा पहाड़ क्षेत्र में दिखेगा विकास, 1 करोड़ से अधिक राशि खर्च करने की योजना तैयार। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत गोमिया प्रखंड क्षेत्र के झुमरा पहाड़ में जल्द विकास दिखेगा। झुमरा पहाड़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन वीडियो श्री कुमार ने कहा कि झुमरा एक्शन प्लान के तहत विभिन्न विभागों से करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार लाने एवं विभिन्न योजनाओं से रोजगार मुहैया कराए जाने की योजना सरजमी पर उतारा जा रहा है, ताकि सुदूरवर्ती उग्रवादी प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अधिक से अधिक रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने झुमरा पहाड़ क्षेत्र में कड़कनाथ मुर्गा, शुकर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, बकरी पालन के अलावा कृषि विकास के लिए नरेगा से कूप, डोभा, शेड का भी आवंटन किए तथा बलथरवा एवं झुमरा में कूप तथा बत्तख पालन सेट का शिलान्यास किए। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा में निजी अस्पताल से वसूला जाएगा बिल्डिंग चार्ज, नहीं देने पर अस्पताल होगा सील।
नगर परिषद बोर्ड अध्यक्ष अनुपमा भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर पालिका की आय बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कहा गया कि शहर में निजी अस्पतालों की जांच की जाएगी और उनसे अलग से बिल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। जो अस्पताल बिल्डिंग चार्ज नहीं देंगे उनका अस्पताल सील करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खबर है झारखंड के पलामू से, महिला की हाथियों ने पटक कर ली जान, पति जख्मी हुए। पाकी थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर में हाथियों के झुंड ने एक दंपति पर हमला कर दिया। इस दौरान पत्नी को हाथियों ने पटक कर मार डाला, जबकि पति इस हमले में जख्मी हो गया। घटना बुधवार की देर रात की है। गुरुवार को घटना की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी गई। उधर हाथियों को इस क्षेत्र से नहीं भगाए जाने से लोग वन विभाग के प्रति आक्रोशित भी हैं। मृतिका की पहचान फूलो देवी के रूप में की गई। फूलो देवी अपनी पति वासुदेव मोची के साथ पुराने घर से अपने नए घर सोने के लिए जा रही थी। इसी बीच हाथियों के झुंड ने बीच रास्ते में ही उन्हें घेर लिया। दंपति कुछ समझ पाता इससे पहले ही हाथियों ने हमला कर दिया और फूलो देवी की जान ले ली। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए।